close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद जय। और एक नई वीडियो, नया दिन। तो आज दोस्तों मैं ऐसा एक टॉपिक चूज़ करके लाया हूँ जो कि आजकल के मैं बच्चों में फेस कर रहा हूँ कि जो बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि कभी कभार जैसे आजकल T20 का ज़माना है और IPL चल रहा है और बहुत पावर की गेम रह गई है अब क्रिकेट। पावर हिटिंग जिसके पास अच्छी है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में, पावर हिटिंग के लिए बैटिंग के अंदर कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। मैंने एक इस पे पहले वीडियो बनाई हुई है, बेस्ट वेज जिसमें आप अपनी बैटिंग में पावर हिटिंग ऐड ऑन कर सकते हो, आपके जो बैट स्पीड है बैट स्पीड क्विक कर सकते हो। लेकिन आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी बॉडी के अंदर पावर हिटिंग के लिए जो पावर है वो कैसे जनरेट करते हो। बैट स्पीड तो बहुत बंदे बना लेते हैं क्योंकि वो विद टाइम विद स्किल। आप कवर ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कवर ड्राइव रेगुलर मार रहे हो, आप पंच रेगुलर मार रहे हो, आप कट रेगुलर मार रहे हो, ये सब चीज़ें आप रेगुलर कर रहे हो तो इस वजह से ये आपका स्किल सेट है। स्किल सेट धीरे धीरे इंप्रूव होगा। लेकिन जिस बच्चे के छक्के नहीं लगते हैं, चौके नहीं लगते हैं या वो शॉट मारते हैं तो अलोंग द कारपेट बहुत तेज़ बॉल नहीं जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब आपको एक्सरसाइजेस करनी है। तो पांच ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी बैटिंग को हेल्प करेगी और हर बैट्समैन को करने चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बैटिंग में आपको हेल्प करेगी वो है आपकी MB रोटेशनल थ्रो। अब इसमें करना क्या है मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि अब जैसे मेरे हम एक ग्राउंड पे आए हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड पे आके मैंने एक कोना पकड़ लिया, ये दीवार है ग्राउंड की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना नॉर्मल हल्का सा अपने नीज बेंड करूँगा और अपने जो ये बॉल है, देखो 5 kg की बॉल है, ये मेडिसिन बॉल कहते हैं इसको, आप लेके अपने पास रख सकते हैं, बहुत यूज़फुल बॉल है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज इससे हो जाती हैं। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा पास आ जाओ, इसमें ये है कि आप स्टार्टिंग जैसे बिगनर होते हैं वो 2 kg की बॉल से, 3 kg की बॉल से भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको हल्का सा ऐसे हल्की सी अपनी नीज बेंड करनी है और लाइक दिस। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, ये ऊपर ऊपर नहीं लेके जाना है, इसमें ओब्लिक में ओब्लिक जो है आपकी वो ख़राब हो सकती है। तो इसको सबसे पहले बेसिक में आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करके लाइक दिस ये आपका सारा कोर, आपकी ओब्लिक, साइड ओब्लिक, आपके शोल्डर सबको स्ट्रेंथन करेगी। देख लो एक बार, फिर से देख लो ऐसे। तो दोस्तों सेकेंड एक्सरसाइज के ऊपर आ चुकी है। सेकेंड एक्सरसाइज है वुड चॉप। एक्चुअली वुड चॉप में हमें करना क्या है, वुड चॉप में भी हमारी सेम पोजीशन रहेगी, हमें नीज को हल्का सा बेंड करना है और हाथ को इसमें ऐसे ऊपर लेके जाना है, लाइक दिस। इसमें भी हमारा ओब्लिक का यूज, मतलब साइड ओब्लिक का यूज, हमारे शोल्डर का यूज़, इस साइड का यूज़ और हमारा कोर, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कंपाउंड एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रही हैं। इससे भी आपकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, लाइक दिस। वुड चॉप, इनको कहते हैं वुड चॉप। तो ये इस तरह से ही मूवमेंट रखनी है। बाकी चलते हैं आप तीसरी एक्सरसाइज पे। तो तीसरी एक्सरसाइज है हमारी, हमें अपने फोर आर्म को ट्रेन करना है। फोर आर्म में जितनी पावर होगी, फोर आर्म से कहने का मतलब है मेरे जो मेरा ये पार्ट है, ये सारा पार्ट है, मुझे इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा तो बैट जब पकड़ूंगा तो बैट में ऑटोमेटिकली पूरे हाथ की पावर लगती है, तो मेरे हाथ से अच्छी पावर जनरेट होगी। और इसके लिए आप एक नॉर्मल डंबल, मतलब ये लगा लो कि आप 4 kg 5 kg इतने तक का डंबल रख सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सा हैवी डंबल है, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा अवेलेबिलिटी नहीं थी तो मैं थोड़ा हैवी से करके दिखा देता हूँ। लेकिन जो भी बिगनर है या जो भी स्टार्ट कर रहे हैं सर, वो लाइट डंबल से करें, धीरे धीरे करके आप अपना वेट बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से कर सकते हो आप। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 1 2 कुछ नहीं करना, पर रिस्ट को अपने इस बेंड करना है हल्का सा और आगे की तरफ फॉरवर्ड को प्रेस करना है। 7 8 9 10 अब इसके बाद ऐसे करके आप अपने ऊपर रखें, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद आप ऐसे करेंगे, आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। और इसके बाद लास्ट अपना जो थोड़ा सा दोस्तों हैवी डंबल है, इसलिए थोड़ा सा मेरी पोजीशन आउट हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा लाइट डंबल से करना जिससे आपको ये बहुत इफेक्ट करेगा। उसके बाद लाइक वन टू थ्री इस तरह भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बेसिकली आपके आपने अपनी फोर आर्म को ट्रेन करना है। आपको मैं पोजीशन बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरह करेंगे हम, फर्स्ट एक्सरसाइज को इस तरह करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे हाथों को और इस तरह से रोल करेंगे। थर्ड हमने क्या करना है, हम इस तरह से जैसे रेस देते हैं बाइक में, उस रेस को देंगे। फोर्थ हम यहीं से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो चार तरीके की एक्सरसाइज बता दी मैंने आपको, फोर आर्म्स की, फोर आर्म इससे स्ट्रांग होंगे। अब चलते हैं चौथी एक्सरसाइज। तो दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज बता देता हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, प्लैंक्स करने हैं। बेसिकली जो भी प्लैंक है, मतलब साइड प्लैंक, नॉर्मल जो आयरन मैन वाला प्लैंक होता है, कोई भी आप प्लैंक कर सकते हो। आपको कोर को स्ट्रॉन्ग करना है अपने। तो ये फर्स्ट पोजीशन है प्लैंक, इसमें हमारी बॉडी, हमारे हिप ज़्यादा भी नहीं उठेगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, नॉर्मल हिप रखना और आपको प्लैंक करना है। अब इसके बाद हम इस तरह से कर सकते हैं साइड प्लैंक। साइड प्लैंक भी हमारा ये हो गई, ये हमारी एक पोजीशन हो गई, ठीक है। इसी की अपोजिट साइड फिर आप ले जाओगे, अपोजिट साइड में आपका ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा पोस्टर। इसके बाद एक प्लैंक हो गया इस तरह से। तो ये जितने भी आपको मैं प्लैंक बता रहा हूँ, आप प्लैंक करो 30-30 seconds। स्टार्टिंग में आप रखो 15-15, 20-20 seconds। धीरे 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 करके आपकी पावर जनरेट होती जाएगी और बॉडी में स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी विद टाइम, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करना है। पहले दिन से 1-2 minutes आपको टियर नहीं करना मसल को, धीरे 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 करके इम्प्रूव करनी है चीज़ें, और ये ज़रूर होगी। और आप इन जो मैंने आपको चार एक्सरसाइज बताई हैं, आप इन चार एक्सरसाइज पांच, अभी मैं पांच ही बता दूंगा आपको, पांच एक्सरसाइज को करोगे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। बाकी अब पांचवी एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज क्या है दोस्तों, फिफ्थ एक्सरसाइज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हमारी बैटिंग में शोल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे शोल्डर को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो शोल्डर के लिए हम अपना शोल्डर प्रेस करेंगे। देखो ये 90 तक रहेंगे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ पे, यहाँ से इससे नीचे ऐसे नहीं लेके जाना, यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। टच भी नहीं करना ऊपर, डंबल टच नहीं होने चाहिए, नॉर्मल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। शोल्डर प्रेस करने हैं आपको। इसके बाद आप शोल्डर में आर्नोल्ड प्रेस भी कर सकते हैं। आर्नोल्ड प्रेस इज लाइक दिस, ये हमारा आर्नोल्ड प्रेस की पोजीशन हो गई। और इसको फिर हम बोथ हैंड से करेंगे। ये तीन चार हैं चीज़ें, एक आपका शोल्डर प्रेस, आर्नोल्ड प्रेस, इस तरह से ये दो तीन चीज़ें हैं आप शोल्डर प्रेस के लिए कर सकते हो। शोल्डर में पावर जनरेट करेगा, शोल्डर में ऐसी पावर आ जाएगी कि आप भी कहोगे कि जो मैं शॉट मार रहा हूँ और क्या शॉट जा रहे हैं। मतलब ये चार पांच एक्सरसाइज हैं जो आपकी बैटिंग के अंदर जो पावर है उसमें ड्रास्टिक चेंज लेके आएंगे। और रेगुलरली मतलब हर दो दिन के गैप के बाद ये वाला आप एक बैटिंग की ड्रिल के लिए जो वर्कआउट है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये है कि मैं आपको लोअर बॉडी का भी नेक्स्ट वीडियो में लोअर बॉडी का वर्कआउट बताऊंगा जो आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने मेरी वीडियो लाइक नहीं करी हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करो यार, लाइक नहीं आ रहे हैं लाइक करो थोड़ा सा, और थोड़ा सा मोटिवेट करो यार। मतलब कि यार वीडियोस चलेंगी तभी मैं रेगुलरली कंटेंट बना पाऊँगा, और मतलब ये मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। क्योंकि यार होता ही है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, सारी इक्विपमेंट्स अरेंज करना, अपनी अवेलेबिलिटी रखना। अगर आप लोग तैयार दोगे तो मज़ा आएगा। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे नई वीडियो में मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।